नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुराधा छिब्बर। पानी की समस्या को लेकर मंगलवार को तल्ली हल्द्वानी वार्ड नंबर 58 के पार्षद मनोज जोशी के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने जल संस्थान में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने जल संस्थान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि तल्ली हल्द्वानी के सुयाल कॉलोनी, अंबा विहार, दुर्गा विहार कॉलोनी में पिछले एक महीने से पानी नहीं आ रहा है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने आगे बताया कि जल संस्थान द्वारा टैंकर से पानी तो पहुंचाया जा रहा है, लेकिन फिर भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि बुजुर्ग लोग टैंकर से पानी भरने में असमर्थ हैं और ऐसे में उनको पानी की परेशानी उठानी पड़ रही है। हमारे वहाँ तल्ली हल्द्वानी वार्ड 58 में करीब 1.5 महीने से पानी के लिए लोग परेशान हैं। पानी के लिए हाहाकार हो चुकी है। टैंकरों से ये लोग अधिकारी बोल रहे हैं कि हम टैंकरों से पूर्ति करेंगे, लेकिन टैंकरों से पानी की पूर्ति नहीं हो पाएगी। 80 साल की महिलाएं टैंकरों से पानी नहीं भर सकती हैं। उसके लिए ये बोल रहे हैं कि हम लोग टैंकरों में पानी देंगे, लेकिन हमने ये कह रखा है कि आप उसमें पाइप देंगे, उसमें अगर आप टैंकरों से पानी देंगे तो पाइप के माध्यम से देंगे। इन लोगों ने आश्वासन दिया है, कल एक्शन साहब वहाँ पहुँचेंगे 10 बजे, उसमें पानी की पूर्ति करने के बाद ही हम इन्हें जाने देंगे, अन्यथा फिर आंदोलन किया जाएगा, उसके बाद ही हम लोग मानेंगे। अगर जब तक पानी नहीं देंगे हम वहाँ से नहीं हटेंगे। अब ये हम लोग आज फरवरी का महीना है और फरवरी तो आज स्टार्ट हुआ है, मार्च का महीना है और फरवरी से यहाँ पानी नहीं आ रहा है। जनवरी लास्ट से पानी आना बंद हो चुका था, फिर बार बार फ़ोन कर रहे हैं तो आधा टैंकर पानी भेज दे रहे हैं, उसमें लोग उठा नहीं पा रहे हैं, पानियों को घर के अंदर नहीं भर पा रहे हैं, परेशान हैं। सुयाल कॉलोनी, प्रगति बिहार, अंबा बिहार, दुर्गा बिहार वाले परेशान हैं। ये लोग अगर पानी की पूर्ति नहीं कर पाएंगे तो यहाँ आंदोलन होगा, खाली बाल्टियों लेकर प्रदर्शन होगा, इन्हें पानी देना पड़ेगा, ये इनका हमारा मौलिक अधिकार है। इसमें सुयाल कॉलोनी के लोगों का कहना है कि फरवरी माह से उनके क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा है। अधिकारियों को अवगत कराने के बाद टैंकर से पानी भेज दिया जाता है, मगर इससे परेशानी कम नहीं हो रही है। लोगों का कहना है कि अगर कल तक पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू नहीं हुई तो कॉलोनी वासी आंदोलन को बाध्य होंगे, इसका जिम्मेदार जल संस्थान है। इस पर सेक्शन इंचार्ज संजय श्रीवास्तव ने आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही कॉलोनी वासियों की समस्या को दूर किया जाएगा, मौका मुआयना कर स्थिति का आंकलन किया जाएगा। हाँ, कुछ वाटर सप्लाई की कुछ दिक्कत इन्होंने बताई है कि काफ़ी दिनों से दिक्कत आ रही है इन्हें, और अभी तो वर्तमान में हम उन्हें टैंकर के थ्रू दे रहे हैं, बट शायद बुजुर्ग लोग हैं काफ़ी, तो वो टैंकर से भर नहीं पा रहे हैं, तो एक दूसरा सोल्यूशन उन्होंने बताया है कि पाइप से वगैरह करके कुछ मैनेज किया जाए, तो वो हम कल से करेंगे। और वैसे भी कल मैं शायद 10 बजे मैंने टाइम दिया है इनको, तो कल मैं जाके इस स्थिति को देखूंगा कि कहाँ दिक्कत है, क्यों दिक्कत है। पूरी कोशिश की जाएगी इनको पाइपलाइन के थ्रू ही वाटर सप्लाई करें। पिछली बार ये जो अभी विगत शीतकालीन वर्षा बहुत कम हुई है इस बार, और इवन गोला का जो डिस्चार्ज भी है वो भी 70 क्यूसेक शायद हो गया घट के, तो दिक्कत तो है और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाली है। लेकिन ट्यूबवेल बेस्ड ही सप्लाई है, जी हाँ, और ट्यूबवेल बेस में ऐसा कोई इशू नहीं है, वो जाके देखना पड़ेगा कहाँ कमी है हम लोगों को, क्या पाइपलाइन छोटी है तो वो करना है। वैसे भी उस क्षेत्र में जल निगम जो है वो वर्ल्ड बैंक के तहत काम कर रहा है, ट्यूबवेल वगैरह बनाए जा रहे हैं, लेकिन जब तक वो चीज़ें स्कीम पूरी नहीं होती तब तक हम अपने वर्तमान सिस्टम से बेहतर होते पानी। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही, आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।